नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उप्पल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आईबीएन 24 पर। बहुत सारे लोग इस समय परेशान हैं कि वो अपने बच्चों का दाखिला किस स्कूल में करवाएं, क्योंकि आजकल स्कूलों की फीसें इतनी ज़्यादा हैं कि पेरेंट्स परेशान हैं कि आखिर क्या वो अपना घर परिवार चलाएं, बच्चों को पढ़ाएं, उनकी एजुकेशन के ऊपर सारा पैसा लगा दें। और कुछ लोग तो ऐसे भी हैं जिनको कई बार लोन लेकर अपने बच्चों को पढ़ाना पड़ता है, क्योंकि बच्चे चाहते हैं कि वो सबसे बड़े स्कूल में पढ़े, चाहे इसके लिए उनके माता पिता को कितनी ही बड़ी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े। आज हम पहुंचे हैं उस स्कूल में जहां का मैं खुद स्टूडेंट रहा हूं, जहां मेरी बेटी पढ़ती है। जब एक इतना अच्छा ऑप्शन आपके पास है तो जाहिर तौर पर आपको भी यहां के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। आज मैं पहुंचा हूं दून इंटरनेशनल स्कूल में, जो कि करनाल के कैथल रोड पर स्थित है। 65,000 स्क्वेयर फीट में बना दून इंटरनेशनल स्कूल। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ इको फ्रेंडली जो बिल्डिंग है, इको फ्रेंडली एटमोसफेयर है, वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा। यहाँ पर हज़ारों बच्चे पढ़कर अपना एक ब्राइट फ्यूचर सेट कर चुके हैं और बहुत बच्चे इंतज़ार कर रहे हैं कि उन्हें भी एक अच्छा फ्यूचर दून इंटरनेशनल स्कूल से मिले। ये वो स्कूल है जहाँ से खुद मैं पास आउट हुआ हूँ। ये वो स्कूल है, ये वो ग्रुप है जहाँ मेरी बेटी पढ़ती है। और यहाँ के जो MD हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे, कुलजिंदर मोहन सिंह बाट सर, जो मेरे टीचर भी रहे हैं, आज भी मेरे टीचर ही हैं, मेरी बेटी के भी टीचर हैं। और हो सकता है आप में से भी बहुत सारे जो बच्चे हैं वो यहाँ से पास आउट हो। सबसे पहले मैं सर से मिलूंगा। सर, आज भी हमारा स्कूल उतना ही सुंदर देखने में, और मुझे आज ही पता लगा कि 25 साल पूरे हो गए हैं दून ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस को। हाँ, इसका श्रेय सबसे पहले परिपिता परमात्मा को, पर हमारे आदरणीय पेरेंट्स को, हमारे काबिल टीचर्स को, और जो भी ऐसे लोग जिनका सहयोग हमें हमेशा मिलता रहा। तो आज का दिन उनको याद करने का दिन है, और आप एक अच्छे वक्त पे आज आप स्कूल आए हो। तो यहाँ कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स हम करने जा रहे हैं। सर, मैं सबसे जो भी आपके अनाउंसमेंट, थोड़ा अंदर चलते हैं, मैं चाहूँगा कि जो लोग आज 25वें साल पर इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उन बच्चों के लिए सर कुछ ऑफर किया जाए। आज किड्स कन्वोकेशन सेरेमनी है, मैं चाहता हूँ कि उन बच्चों के लिए एक अच्छा अनाउंसमेंट हो। यहाँ आ जाते हैं सर, कुछ अच्छा अनाउंसमेंट हो ताकि उनको लगे कि आईबीएन 24 पर अगर वो देखकर दून इंटरनेशनल स्कूल को अपने स्कूल के ऑप्शन में चुन रहे हैं तो उनको कुछ खास मिले आज। ज़रूर, और साथ साथ हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे जो कि पढ़ाई से, एजुकेशन के थ्रू अपने लाइफ में एक्सेल करना चाहते हैं, उनको हम कहीं ना कहीं ये भी हम बताएंगे कि यहाँ स्कूल उनके लिए कुछ खास करने जा रहा है। सबसे पहले तो अगर आप स्कूल बिल्डिंग देखेंगे तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट स्कूल स्ट्रक्चर्स। उसके अलावा आप पाएंगे कि स्कूल पूरा ग्रीन स्कूल है। वी हैव गॉट ऑलमोस्ट 7500 प्लांट्स प्लांटेड इन स्कूल इटसेल्फ, और यहाँ पे बच्चों को एक बहुत ही सुंदर परिवेश मिलता है। यहाँ पे कोई नॉइस पोल्यूशन नहीं है, एयर पोल्यूशन नहीं है, और सबसे बढ़ के हर बच्चे की प्रतिभा को यहाँ निखारा जाता है। सर, एक मुझे अच्छी चीज़ लगी, कुछ समय पहले कनेक्टिविटी अच्छी नहीं थी, अब कनेक्टिविटी ऐसी है कि सेक्टर 6 से भी बच्चे कैथल रोड पे आ रहे हैं पढ़ने के लिए, शामगढ़ से बच्चे पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मधुबन से बच्चे यहाँ पर पढ़ने के लिए आ रहे हैं, कनेक्टिविटी इतनी ज़बरदस्त हो गई है। जी हाँ, ये श्रेय कहीं ना कहीं हमारी सरकार को भी जाता है। रोड कनेक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो गई है, एंड वी आर जस्ट 6 किलोमीटर फ्रॉम करनाल बस स्टैंड। तो करनाल पूरे से, सभी सेक्टर से और सभी एरिया से बच्चे हमारे पास स्कूल में आ रहे हैं, और हमें लगता है कि वो बच्चा जो पढ़ना चाहता है उसकी जो अल्टीमेट डेस्टिनेशन है वो दून इंटरनेशनल स्कूल होनी चाहिए। सर, जब हम पढ़ा करते थे तो प्लस टू की बहुत ज़्यादा स्ट्रीम्स नहीं होती थी स्कूल में, आज नर्सरी से लेकर प्लस टू में मेडिकल, नॉन मेडिकल, कॉमर्स, आर्ट्स, सब कुछ बच्चों के पास ऑप्शन है। हमारे बच्चे इंग्लैंड में भी रहते हैं, न्यूजीलैंड भी रहते हैं, ऑस्ट्रेलिया भी रहते हैं, जो मेरे साथ पढ़ते थे। कुछ और उपलब्धियाँ बताएं ताकि लोगों को पता लग सके कि सिर्फ महंगा अच्छा नहीं होता, जहाँ पर एजुकेशन अच्छी होती है स्कूल सिर्फ वही अच्छा होता है। जैसे आकर्षण उपल मीडिया के माध्यम से आप जनता की आवाज़ उठाते हैं, उसी तरह से 36 कंट्रीज़ में हमारे स्कूल के बच्चे हैं। मैं उन सबसे सोशल मीडिया के थ्रू जुड़ा हूँ, और वो बच्चे अपने अपने जो उनके जीवन के परफॉर्मेंसेस हैं, जिस जिस एरियाज़ में वो काम कर रहे हैं, बताते हैं, स्कूल को याद करते हैं। तो ऐसे ही और बच्चे भी काफ़ी हैं जो अभी एक अच्छे स्कूल की तलाश में होंगे। तो हम सभी जो है इस साल से, जैसे 25 साल आपने बताया कि पूरे होने जा रहे हैं स्कूल के, तो हम इस साल से कुछ स्पेशल अनाउंसमेंट्स करने जा रहे हैं। एक तो बच्चे जो कि मेरिट होल्डर्स हैं, आम ये कंसेप्ट है कि शायद जो महंगा स्कूल होता है वो स्कूल अच्छा होता है, जबकि सच ये है कि जिस स्कूल में पढ़ाई अच्छी होती है वही स्कूल अच्छा होता है। तो हम यहाँ पे बहुत ही नॉर्मल फीस में, जो कि 1600 रुपये से लेके 3200 रुपये के बीच की फीस है, टॉप क्लास की, हाँ, मेडिकल प्लस टू, और हमारे पास सारी स्ट्रीम्स हैं,
मेडिकल है, नॉन मेडिकल है, कॉमर्स है, ह्यूमैनिटीज है, और बच्चे यहाँ पे आ सकते हैं। एक और बड़ी बात है कि हम कैनेडियन जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके साथ हम टाई अप करने जा रहे हैं, तो जो बच्चा यहाँ स्कूल में रहेगा उसका एडमिशन ऑटोमेटिकली प्लस टू पास आउट होते ही उन इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ में हो जाएगा, सो दैट कि पेरेंट्स को या बच्चों को जाके उन यूनिवर्सिटी को सर्च ना करना पड़े। सर चलते चलते कुछ और भी बात करते ताकि आप पूरा जो स्कूल कैंपस है वो देख सके। आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर जो कैंपस है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। अभी हम जूनियर विंग में जा रहे हैं, जिस विंग में जो मेरी बेटी भी पढ़ चुकी है, जब उसने एडमिशन लिया था शी वाज इन नर्सरी स्टैंडर्ड, उस समय वो नर्सरी क्लास में थी, लेकिन आज वो प्रमोट हो गई है 8th स्टैंडर्ड में। ये जूनियर विंग है और इस पूरे विंग में जो मेरी बेटी है वो भी पढ़ती रही है। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। और सर स्कूल कहीं पर भी देख लें, हम कहीं पर भी घूम लें, कहीं पर भी लाइट की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ऑटोमेटिकली लग रहा है। ये जो बिल्डिंग डिज़ाइन की गई है ये उन आर्किटेक्ट्स ने की जिनका जिन्होंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बनाया। आप देख रहे हैं सिंगल लोडेड बरामदा है और क्रॉस वेंटिलेशन चल रही है, यहाँ फ्रेश एयर रहती है बच्चों के लिए और नेचुरल लाइटिंग है, यहाँ पे सनलाइट रहती है। इधर इस साल की जो स्पेशल अनाउंसमेंट है वो ये आ रही है कि हम लोग इस साल एडमिशन फी में हम 25% to 100% वेवर देने जा रहे हैं, यानी मिनिमम 25% मिलेगा और मैक्सिमम 100% भी है। इट इज़ अप टू द मेरिट ऑफ स्टूडेंट, मेरिट ऑफ द स्टूडेंट्स, उसकी परफॉर्मेंस क्या रहती है। हम ये भी कोशिश करेंगे कि उनका जो यहाँ पे एडमिशन टेस्ट होगा उसकी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग भी हम बच्चों को वो जो स्कॉलरशिप्स है वो ऑफर करेंगे। मैं आपको बता दूँ कि सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत क्या आती है कि आप जिस स्कूल में भी एडमिशन करवाते कभी आप चेयरमैन से नहीं मिल पाते, कभी MD से नहीं मिल पाते, कभी प्रिंसिपल से नहीं मिल पाते, लेकिन दून इंटरनेशनल स्कूल में आप किसी भी टीचर से, किसी भी प्रिंसिपल से, जो सर हैं सर से खुद इंटरेक्शन कर सकते हैं। आप खुद दून इंटरनेशनल स्कूल में कभी भी विजिट कर सकते हैं कि आपका जो बच्चा है वो किस तरह से स्टडी कर रहा है, क्या उसका रिस्पॉन्स है, क्या बच्चे पढ़ने में ठीक चल रहे हैं या नहीं चल रहे, एक एक बात का जो फीडबैक है वो आपको यहाँ पर मिलता है। ये सबसे जो छोटा विंग है नर्सरी क्लास है, यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं वो बच्चों से, बच्चों को साथ लेकर टीचर से रिजल्ट लेने के आए। ये जूनियर विंग था और यहाँ पर आप एक अच्छी चीज़ देख सकते हैं कि डिसिप्लिन इज द ब्रिज बिटवीन गोल्स एंड द अकम्पॉलिशमेंट। ये यहाँ के स्टूडेंट की, यहाँ के स्टाफ की सोच है टुवार्ड्स एजुकेशन। और ये एक छोटा सा प्लेग्राउंड है जो जूनियर विंग का है, वैसे जो बड़ा ग्राउंड है वो बाहर है, वो भी आपको एक बार दिखाते हैं। सर पिछले अगर कुछ समय की बात करूं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं स्कूल की? हमारे टाइम में तो बच्चे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को भंगड़ा में फर्स्ट आया करते थे, जो कल्चरल एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पर बच्चों का जो रिस्पॉन्स था। ये देखिए कितना सुंदर आपको यहाँ पर प्लेग्राउंड मिलेगा, यहाँ पर आप वॉलीबॉल खेल सकते हैं, बास्केटबॉल खेल सकते हैं, टेनिस खेल सकते हैं, क्रिकेट खेल सकते हैं, तमाम तरह की जो गेम्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो सर क्या अचीवमेंट्स रही हैं स्पोर्ट्स के अंदर और कल्चरल एक्टिविटीज़ में? स्पोर्ट्स में हमारे बच्चे लॉन टेनिस में, इसके साथ साथ जो शूटिंग है इसमें बच्चे हमारे इंटरनेशनल लेवल तक भी गए हैं बच्चे। अभी हाल ही में 2 बच्चे हमारे US गए हुए हैं। इसके साथ साथ हम इंटरनेशनल जो स्टडी टूर्स है वो भी करवाते हैं बच्चों की। हमारी कोशिश है बच्चे का जो बेस्ट है उसे हम बाहर लेके आ सकें, बच्चा अपने लाइफ में एक्सेल कर सके और जो उसकी अंदर एबिलिटीज़ हैं उनको हम मैक्सिमम तक उसको कम से कम डेवलप कर सके। आपने जो यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटी देखी है सारी, ये सब इंटरनेशनल लेवल के ग्राउंड्स हैं। अभी इंटरनेशनल लेवल का हमारे पास स्केटिंग रिंक बनने जा रहा है, लॉन टेनिस है, बास्केटबॉल है, ऊपर 10 मीटर की हमारे पास शूटिंग, मैंने बताया रेंज भी हमारे पास है, और सभी रूम जो है हमारे वेल लिटेड है, जो CBSE रिकमेंड करता है उससे लगभग 1.5 गुना साइज़ के हमारे रूम्स हैं। जो हमारे पास सेक्शन साइज़ है वो 30 से अबव नहीं है, आम स्कूलों में आपको 45 से 60 मिलता है, हमारा 30 स्टूडेंट्स के ऊपर एक सेक्शन है। इस तरह से हम कोशिश ये कर रहे हैं कि हम बच्चों के लिए जो बेस्ट कर सकें वो करें, और वो भी ऐसा कि जिसे पेरेंट्स अपनी पॉकेट के अकॉर्डिंग अपने बच्चे को अच्छी स्टडीज़ दिलवा सकें। सर मैंने, यानी जब हम छोटे होते से पढ़ते थे आपके पास, मुझे तब का पता है कि आप UPSC क्लियर करके CRPF में भी गए, जुडिशरी यानी रैंक 3 था आपका, 98-99 की बात है, जुडिशरी में भी आप गए, लेकिन सब कुछ छोड़कर आपने स्कूल को अपने प्रोफेशन के रूप में चुना, और वो भी ऐसा प्रोफेशन जिसको आज तक आपने बिजनेस नहीं बनाया।
उसका रीज़न ये है कि मैं अगर अपने लिए अगर मैं किसी अच्छे रैंक पे रहता तो अपने लिए रहता। मुझे लगा कि मेरे मदर जो कि नेशनल अवार्डी एक एजुकेशनिस्ट रहे हैं जिनको राष्ट्रपति से अवार्ड मिला, उनके मार्गदर्शन में हमने कोशिश की कि हम स्कूल को थोड़ा अलग बनाएं, थोड़ा हट के बनाएं। और आज मैं अगर अपने कैरियर की बात ना करूं तो हज़ारों ही बच्चे जो है यहाँ से जीवन में कुछ ना कुछ बन के जाएंगे, तो मुझे लगता है मेरा जीवन इससे सफल है। तो आप देखिए कि यानी आज आप सोचिए कि स्कूल आज एक ब्रांड के रूप में काम कर रहे हैं, स्कूल आज एक बिजनेस के रूप में काम कर रहे हैं, लेकिन दून ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन आज भी यानी कि मानव सेवा को समर्पित है और उन बच्चों को खासकर जो बहुत ज़्यादा फीस नहीं दे सकते लेकिन उनको अच्छी एजुकेशन चाहिए, तो इसी एजुकेशन के लिए आप दून इंटरनेशनल स्कूल को अपने विकल्प के रूप में चुन सकते हैं। और अब सीनियर विंग की तरफ मैं आपको लेकर चलूँगा, उस सीनियर विंग में जहाँ पर अब जो मेरी बेटी है वो प्रमोट हो गई है, वहाँ पर भी जानते हैं जो जो ग्राउंड की एक्टिविटीज होती है वो वहाँ पर होती है। सर पेरेंट्स के लिए क्या क्या मैसेज देंगे? पेरेंट्स की पॉकेट पे कई बार क्या होता है कि वो अच्छे स्कूल की तलाश में बहुत महंगे स्कूल चुन लेते हैं, उनके पॉकेट पे बहुत प्रेशर रहता है। कई बार ना चाहते हुए पेरेंट्स सिर्फ इसलिए स्कूल में बच्चा नहीं भेज सकते क्योंकि वो उनकी फाइनेंशियल पोजीशन अलाउ नहीं करती। तो मैं ये कहता हूँ ये बजट आपके बजट में एक ऐसा स्कूल है जिसमें हर तरह की जो इंटरनेशनल फैसिलिटी है वन कैन अवेल, आप आके यहाँ फिजिकली आप देख सकते हैं और आप इन चीज़ों से फ़ायदा उठा सकते हैं, फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मैं अपने जो बहुत पुराने लगभग 15 साल पुराना हमारा रिश्ता है, मुझे कुदरती मिल गए मोहन लोधी जी। लोधी साहब आपने मेरे ख्याल 5-7 साल 8 साल 10 साल पहले अपनी बेटी को स्कूल में डलवाया था मेरे रेफरेंस से। हाँ सर के पास आपके रेफरेंस से डाला था, पहले दून पब्लिक में थे और दोनों बच्चे अब शुरू से और अब तक यहीं पर ही हैं और स्टडी में वो एक्सीलेंट है। और सर भाई आजकल बच्चों में ना बच्चों में और पेरेंट्स में ये है कि सबसे महंगे स्कूल में जाना है, 5,000 फीस हो 7,000 फीस हो, आप इतने यानी कि कम फीस वाले स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? देखिए फीस का मतलब नहीं है, स्टडी का मतलब है। मैंने लगभग मेरे कुछ दोस्त हैं कभी कहते हैं कि भाई श्रीराम ग्लोबल या एक्स वाई जेड बहुत सारे स्कूल हैं, फीस मानो तो भाई जेब का तो वाह हो जाएगी, लेकिन यहाँ पर क्या कि रीजनेबल फीस में और बच्चों की स्टडी एक्सीलेंट है, बच्चों की स्टडी एक्सीलेंट है। और ये बेटी है, मेरे को नाम भूल रहा है इसका, जिया, जिया नाम है ना, यस। तो जिया तब ये छोटी सी होती थी तब मेरे रेफरेंस से ये बच्ची आई थी, मेरे ख्याल दृष्टि के साथ ही पढ़ते हो। हाँ जी, यस। कैसा बच्चे आपका अभी तक एक्सपीरियंस रहा, मन करता है कभी स्कूल बदलने का? नहीं अब नहीं करता कि अब ये स्कूल मतलब पढ़ाई भी अच्छी है स्कूल की और टीचर्स भी बहुत ज्यादा अच्छे हैं, टीचर्स भी अच्छे हैं, स्कूल भी अच्छा है, फ्रेंड्स भी अच्छे हैं, सब कुछ अच्छा ही अच्छा है। और ये देखिए ये छोटी सिस्टर है, इसने भी यहीं पर एडमिशन लिया। कैसा स्कूल चल रहा है आपका? आजो आजो। बहुत अच्छा। क्या नाम है आपका? काश्मी। काश्मी, वेरी गुड। तो आप देख सकते हैं कि ये वो पेरेंट हैं जो खुश हैं यहाँ पर, और खुश होने के साथ साथ वो खुद बता रहे हैं कि पॉकेट फ्रेंडली जो स्कूल है, पॉकेट फ्रेंडली भी, अच्छी एजुकेशन भी। हमारे साथ मैम प्रिंसिपल है, नरवाल मैम है। मैम पेरेंट्स के लिए बच्चों के लिए क्या मैसेज है दून इंटरनेशनल स्कूल की तरफ से? यही कहना है कि खूब ध्यान से पढ़े, खेले कूदे और पढ़ाई में भी खूब मन लगाएं। पर बच्चे बहुत हमारे बढ़िया हैं और खूब एंजॉय करते हैं यहाँ पर, पढ़ते भी हैं। ये देखिए ना रिपोर्ट्स, देखिए बहुत बढ़िया रिपोर्ट्स हैं बच्चों, बच्चों के रिपोर्ट्स है ये इस साल, इस बार रिपोर्ट कार्ड देखिए। ये बच्चे हैं, कहते हैं कि एक साल बाद 365 दिन के बाद रिपोर्ट कार्ड बोलता है कि बच्चे ने स्कूल में क्या अचीव किया, और उससे ज्यादा उनके पेरेंट्स बोलते हैं क्योंकि ये मार्क्स उतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितना फीडबैक इम्पोर्टेंट है उस पेरेंट का जो अपने बच्चों को जज बनाना चाहता है, यूपीएससी क्लियर करवाकर आईएएस आईपीएस बनाना चाहता है, जो अलग अलग यानी फील्ड में अपने बच्चों को डॉक्टर्स इंजीनियर बनाना चाहता है, उनका फीडबैक ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सर कुछ और मैसेज देना चाहेंगे? मैडम के बारे में बताना चाहूँगा, मैडम अमरपुर नरवाल है और आपने द शिष्य स्कूल चेन्नई का बहुत फेमस स्कूल है और सिंगापुर इंटरनेशनल स्कूल में आपने काम किया हुआ है, आपके पास बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है और ये डेडिकेटेड है पूरा बच्चों के वेलफेयर के लिए, पूरा दिन यहाँ बाहर बैठ के स्कूल कैंपस में आप बच्चों के ऊपर लुक आफ्टर करती हैं और कहीं ना कहीं कोशिश ये रहती है कि हम बच्चों को बेस्ट ला के दे सकें। मैं ये कहना चाहूँगा कि आप पूरे जो पेरेंट्स हैं जो बच्चे की स्टडीज के लिए स्कूल अच्छा देख रहे हैं, दे शुड कम फॉरवर्ड, वो आके चीज़ें या फैसिलिटीज देखें आके और खुद डिसाइड करें
कि उनकी पॉकेट को भी फ्रेंडली रहेगा स्कूल और कहीं ना कहीं वो सारी फैसिलिटी उनको मिल पाएंगी जो एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। एक अच्छे स्कूल में होनी चाहिए। तो 9518882222 9518882666 इस पर आप फोन कर क्वायरी ले सकते हैं। लिमिटेड सीट्स हैं, इससे पहले कि आप सोचते रह जाए और सीट्स यहाँ पर फुल हो जाए इन नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ जरूर शेयर करें। आप देख रहे हैं IBN 24, मैं हूँ आकर्षण उपल, अपने दो इंटरनेशनल स्कूल से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।